अरे कंकरिया मार के जगाया, पूरा है दादा, पूरा ही होगा।
ठीक है। मैं सोच रहा हूं जब भगवान विष्णु ने ध्रुव को तपस्या करते हुए सुना तब वो जागे नहीं, परमानेंट सोते रहे थे। नहीं दादा, ऐसा नहीं था। भगवान विष्णु एक तिथि को सोते हैं और सोते ही नहीं कभी, एक ही तिथि ऐसी है जब वो सोते हैं। अच्छा, फिर आपने बताया कि शंभू जी तन पूरा है। अरे ये माया है, जैसे भगवान राम अमित रूप प्रगटे ते ही काला जथा जोग मिले सब ही कपाला। चाहे जितना लिखो बनेगा नहीं दादा, क्यों नहीं बनेगा? तुम उसका कारण ये कि तुमने सब कुछ मुझे सिखा दिया, इसीलिए मैं कहता हूँ ज्यादा सिखाओ में दिक्कत तुम्हें होगी। आइए, खैर चलिए, बहुत बढ़िया उत्तर रहा है दादा, लेकिन वो पूरक नहीं हुआ। मेरा प्रयोग ये नहीं है कि आधा ऊपर है आधा नीचे, नहीं, मैंने ये दिखाया है विजय भैया कि अर्ध नारीश्वर स्वरूप, ज्यादा बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, कीर्तन में एक नई बात लाने का प्रयास किया था। आइए, खैर चलिए, बहुत बढ़िया प्रयोग आपने भी दिखाया है दादा इस चक्र में, बहुत अच्छा कट पीस लिया है, और कट पीस आपका कह रहा है बहुत महंगा कट पीस है, ये कह रहा है। जिस्म बेकार है, क्योंकि आप जानते हैं शिव पुराण कह रहा है
शिव स्वरूप है, शिव तत्व है, भाव है, और भाव का जी है शिवा। तो सुनिएगा, कह रहा है कि शिव और शिवा का है ये नाता, जिसकी महिमा को जाने पिताना। बालवा मैं तुम्हारी जी, सुनिएगा फिर ला रहा हूं। अरे शिव से शक्ति को जो ही हटाया, शिव से शक्ति को जो ही हटाया, शिव को भी मैंने है सौ पाया। तो पालमा मैं छोटी Thank you.
पर तीरे पर तीरे पिरे इसलिए शब्दों को अलग से लाने का प्रयास कर रहा हूं। एक टुकड़ा और देखिएगा अनन्या ज्योति जी। तो तेरे जन्म से खोपड़े में पता नहीं कितना है, लेकिन दादा
किसी ने गाया हो जो संबोलचन का प्रयास किया। आइए दूसरा प्रयोग देखिएगा, बिल्कुल साधारण सा प्रयोग है जैसा प्रयोग। महाराज रघु ने कुछ अक्षत के दाने लिए, अक्षत यानी चावल, और अपने हाथों में रखे, उन्हें शिव नाम से अभिमंत्रित किया और दशानन की ओर छोड़ दिया। वैसे बहुत से कीर्तनकारों ने गाया है, हिंदुस्तान लिखा रखा है, जय जवान लिखा रखा है, जय किसान लिखा रखा है, उनका गीत विजय भैया देश के लिए है, शंभू अंचल का गीत संदेश के लिए है। सुनिए गजरा, जिस समय अभिमंत्रित करके वो अक्षत के दाने फेंके तो देखिए हुआ क्या।
बुराई की बड़ी लक्ष्मी आप लोग और जब नौमन मोती लाए एक संत रखी कहा नंद जब तुम मेरे यहां गोद भराई में आओगे तो इससे दुगने मोती लाओगे। भगवान कन्हैया ने सोचा हमारे बाबा ये कैसे कर पाएंगे। भगवान ने उन्हीं मोतियों में से कुछ मोती लिए और क्यारियों में बो दिए, मोतियों के वृक्ष हो गए। उन्होंने दोगुने मंगाए थे, भगवान चार गुने मोती लेकर पहुंचे। और जब चार गुने मोती लेकर पहुंचे तो क्या हुआ सुनिए कि प्रभु ने सीताराम ये अब क्या मिल रहा है। अरे मोती के नेता ने पर राधे श्याम है। और जरा सुनिएगा सजीव भैया, ताना पा क्या रहा
कार्यक्रम विराम हो जाएगा, यहाँ से सब लोग चले जाएंगे तो चर्चाएं होगी कि वो बिटिया जो आई थी बाराबंकी से, ज्योति कमल, उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, उसके गले में ताना था, शंभुरंजन तो फटावास की तरह चिल्ला रहे थे। लेकिन जरा सुनिएगा, कह रहा है कि गले में ताना है और ताना मर्दाना है। लोग कहते हैं आप उनके यहां चले जाइए, तानेदार आदमी है, आपकी बात खाली नहीं करेंगे। तो गले में ताना है, ताना मर्दाना है और राम जी का लोग कहते हैं जल ही जीवन है, संबोल जल कह रहा दाना भी जीवन है। बिल्कुल, तो दाना पानी जीवन। और विजय भैया, गोली भी दाना है। लोग कहते हैं भैया हमारे 315 के दाने खत्म हो गए, 12 बोर के दाने खत्म हो गए, 35 के दाने खत्म हो गए। तो कहना बड़ा दाना पानी जीवन और गोली भी दाना है और पेट सबका भरता वो अन्न का दाना। लोग कहते कि शंभू अंचल वहां गए, ज्योति कमल वहां गई नहीं, कोई कहीं नहीं जाता। होता क्या है, अरे जिसको जहां बुलाता दादा, जिसको जहां बुलाता दादा, अरे जाता दाने का सात समंदर पार। लोग पैदा होते हैं भजवन खेड़ा में और नौकरी के लिए चले जाते हैं अमेरिका, दाना बुला लेता है। तो जिसको जहां बुलाता दाना, अरे जाता दाने दा सात समंदर पार। तो ज्ञानी कुटियों की ये बानी सुबह चावल के दाने पर शिव जी का नाम, राई के दाने पर सीताराम, मोती के दाने पर राधे श्याम। अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। अंतिम पंक्तियां है, कहना पड़ा अरे दाने दाने पर खाने वाले का लॉकडाउन 24 घंटे का किया गया है। उस दिन से आज तक कलाकारों की तो दशा देख ही रहे हो बेचारे, रोज हारमोनियम साफ करते हैं भगवान।